तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कभी लाइव शो के टाइम में कोई ऐसा वाकया? तुमने भी तो प्रेगनेंसी में शोज किए थे। अच्छा, मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं शो कर ना पाऊं। हाँ, मुझे बस जो सबसे आई थिंक मुश्किल शो मेरी लाइफ का ये था कि शो पे मेरी बहन बहुत बीमार थी और मैं, वो दिन था कि जब मैं नमाज पढ़ी और मैंने पहली दफा दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी बहन की मुश्किल आसान, ये ठीक नहीं हो रही, बहुत तकलीफ में और अब बस मुश्किल आसान कर। तो मेरा इत्तफाक से दुआ करके निकली हूँ, शो करने गई हूँ, फोन आता है रोते हुए अम्मी का और वहां वही बस के काउंट डाउन चल रही है। पता चल गया आपको कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और मैंने कहा अम्मी जी काउंट डाउन चल रही है, वो बहन जिसमें मेरी जान है वो नहीं है, वो सबसे मुश्किल था शो मुझे अम्मी का के रखा और योर लाइव दैट वाज द हार्डेस्ट आई थिंक। वो मुझे नहीं पता, मेरी आंखों के सामने अंधेरा, मुझे क्या बड़ बड़ा बोला और फिर मैंने गेस्ट को बोला, मैंने कहा आप बोले, मैं ऐसे ऐसे आंसू गिर रहे सारा, मैं बहुत मुश्किल था, वो सबसे मुश्किल था। तो कोई अपना चला जाए ना और फिर जिक्र भी होता है ना, तब अम्मी का जिक्र हो जाए, ओ हो फिर नहीं आपसे शो कंट्रोल हो, और कंट्रोल करने वाला आप लोग होस्ट हो ना, अगर होस्ट ही नहीं कंट्रोल कर पाए तो फिर कैसे होगा। ऐसा अनफॉरगेटेबल वाकया लाइव शो के दौरान हो गया और किसी गेस्ट के साथ? हाँ, नहीं, हम लाइट लाइट बातें करेंगे तो हाँ कोई ऐसा मजेदार वाकया कुछ चांद रात है, कल ईद है, कल ईद है, कल याद हो गया हमेशा, ऐसा कैसे हुआ? जैसे होते हम लोग ना लैंप की तरह होते हैं, स्विच यस ऑन ऑफ हमें करना पड़ता है। मुझे एक बार बहुत स्टाइलिश और कूल आंटी मिली जिनके घर में पियानो भी था। हाँ, और वो मैं इनके घर सिर्फ इसलिए जाती थी कि मुझे लगता था फिल्मों में ना कुछ 70s 40s 50s की फिल्म में है, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती थी उसे पियानो बजा रही होती थी, हेलो हाउ आर यू, मुझे बहुत पसंद थी। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कम हियर, एक तो उनका सीधा चला मैंने कहा, मैं ऐसे चलती थी, उनका सीधा चेस्ट आउट प्रॉपर स्ट्रेट, बड़ी स्मार्ट। मैंने कहा ओके आंटी, फिर कहती हैं कम हियर, फिर बुलाया, कहती यू नो गर्ल्स फेस, मैं उर्दू में बताती, जो लड़की का चेहरा है इस पर कभी इमोशंस नजर नहीं आने चाहिए, समझ आई, कोई तो मेरी रीड ना कर सके। ठीक, इतनी 9 साल की कि मुझे बात याद है, जबरदस्त उन्होंने बात की कि तुम्हारे लड़कियों का चेहरा कोई पढ़ ना पाए कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। हाँ, दैट्स योर बिगेस्ट वेपन। मैं कहा ओके, ये हो नहीं सकता, बहुत प्यारी बात है, ये बात बहुत अच्छी बात है सीरियसली, क्योंकि अगर आप इमोशनल होते हैं आपके फायदे लोग उठाते हैं। पता नहीं उन्होंने नींद की कितनी गोलियां खाई हुई थी जब मुझे ये बात की है। उसके बाद मैं आई खेल के अपनी फ्रेंड के, तो ऐसे सो रही है, रोबोट थोड़ी है सो रही है ना पियानो के ऊपर। वो रोबोट थी, आंटी थी यार, वो बड़ी स्मार्ट आंटी, वो रोबोट होंगी, बहुत स्मार्ट आंटी थी। उनके साथ बताऊं ना, आंटी का सब जानते हैं, मशहूर है पिंडी में। एक बार आ गया उनके यहाँ डाकू, अब वो उन्होंने वो टेक्निक यूज की, डाकू आए आंटी घर में अकेली होंगी, अकेली ये पिस्टल विस्टल लेके बड़े मजे से उठी, पियानो के पास ही होती थी वो, हम आपको लुटने आए, ये वो पता है कैश कहाँ है, ज्वेलरी कहाँ है, यहाँ क्या है, वो क्या है। मैंने कहा दिस वे, लेके जा रही है ना यहाँ डाकुओं को लेके वहां जा रही है। उसके बाद उन्होंने खुद अपने ना अपने आप को मारना शुरू, कपड़े फाड़, चीखे मारी, डर के भागे। भाई सही कह रही है, नॉर्मल नहीं थी वो जो डरे, आंटी सॉरी ऐसे नहीं करें, भाग गए। आंटी फुल एक्ट्रेस थी भाई। फिर उनके बेटे आए सब, कहते भाई आइडिया अच्छा है वैसे, एदा उनको बुलाओ शो में, उन्होंने डरा दिया उनको, यार नंबर दो जरा उनको बुलाओ, नंबर दो मैं बुलाती हूं, कंटेंट निकलेगा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो मैं तो बड़ी इंस्पायर हूं उनसे देखती हूं कि उन्होंने क्या किया, अकेली औरत ने उस वक्त दिमाग सही चला के 7 लोग थे भाग। मॉर्निंग शो में फवाद खान क्यों नहीं आते? वो बहुत महंगे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बस यही वजह है। हाँ और क्या, मायरा मायरा तो आई है बहुत दफा, गिन मायरा मेरे पास इतने सारे एक्टिविटीज भी की हैं, वो कहती है जो करना है कराओ, तो उसे फिल्म की प्रमोशन के लिए नहीं, देखे उठा के कहते भी आई, मायरा से मेरी दोस्ती है, मेरा प्यार है ऐसा, पर अच्छे वक्तों में फवाद मेरे शो पे आ गया 2-3 दफा, अरे अच्छे वक्त, हाँ उस वक्त पैसे नहीं होते थे इतने ज्यादा, तो भाई का टिकट होता था खुदा के लिए, फिल्म में 9 दफा आई हूँ तुम्हारे शो पे, उस वक्त उसका बहुत अच्छा वक्त नहीं था ना। हाँ उस वक्त उसने फिल्म नहीं शुरू की थी, खुदा के लिए यही काम कर रहा था, तो यस। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।